आज वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में वो बिके हैं, उनका दबाव है कि भैया जो लेन देन हुआ है हम आप पर विश्वास नहीं करते। आप तो आजाद होने के बाद कभी कांग्रेस के साथ जा सकते थे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते थे। अब तीन जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन तीनों भारतीय जनता पार्टी के मानुभाव प्रत्याशियों से ये पूछा जाना चाहिए कि ये चुनाव हो क्यों रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने आपका काम नहीं किया तो आप तो आजाद है, आप कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे ही बैठ जाते हैं, आजाद ही बैठ जाए अपने आप ही। किसने रोका था आपने? फिर आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? आज वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में वो बिके हैं, उनका दबाव है कि भैया जो लेन देन हुआ है हम आप पर विश्वास नहीं करते। आप तो आजाद होने के बाद कभी कांग्रेस के साथ जा सकते थे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते थे। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब वो फिर 3.5 साल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि हमारी कांग्रेस की सरकार तो अभी 3.5 साल चलेगी, गलती से अगर आप जीत भी गए तो भी तो आप भारतीय जनता पार्टी की तरह विपक्ष में बैठोगे, आजाद होकर भी तो आप विपक्ष में बैठ सकते थे हमारा साथ छोड़कर। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे, वो इसलिए नहीं कर सकते थे, जिस भारतीय जनता पार्टी की टैची समान से भरी लेकर गए हैं उन्होंने उन्हें बैठने नहीं दिया।